और आपका भाई अकेला है यहाँ पे भाई, डर लग रहा है क्योंकि रोड बहुत खराब थी। मैं कैसे कैसे यहाँ तक आया हूँ भाई, मेरी गाड़ी बहुत गर्म हो चुकी है पर फिर भी मैं इसको खड़ी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर इसको मैंने खड़ा करा तो भाई दिक्कत हो जाएगी मेरे को। मैं जंगल में रुकना नहीं चाहता यार। गाड़ी भाई पूरी स्पीड हो रही है। राधे राधे भाइयों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं हूं आपका अपना अजय विश्वास और आप देख रहे हैं एनएसबी रज्जू। गाइस कल रात लगभग 7:30-8 के आसपास मैं पहुंच गया था नागालैंड, और नागालैंड के दीमापुर में मैं रात में स्टे किया हुआ था इस होटल के अंदर। तो होटल कुछ इस तरीके का भाई, ये बेड वगैरह था, यहाँ पे शीशा है और ये आपका भाई है, और वॉशरूम वगैरह इधर है, और ये टीवी था जो कि मैंने नहीं देखा, मेरा सामान यहाँ पड़ा है, फोन वगैरह वहाँ चार्जिंग हुए हैं मेरे। और भाई ये लोकेशन कुछ वही वाली लोकेशन है जिस लोकेशन पे भाई जाट प्रॉपजोत भाई हमारे रुके हुए थे, वैसा ही लग रहा है देखने पे, पर वैसा है नहीं। तो क्या है भाई, अभी मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुका हूँ, वीडियो वगैरह एडिट कर रहा था क्योंकि वीडियो क्या है ना भाई, रास्ते में एडिट करना पड़ता है, तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि रास्ते में 2 घंटा रुकूंगा, इससे अच्छा यहीं बैठे कर लेता हूँ। तो अभी भाई जो टाइम हो रहा है वो हो चुका है 10:20 और मैं हो चुका हूँ थोड़ा सा लेट, धूप भी काफी ज्यादा निकल चुकी है बाहर। अभी क्या है मेरा प्लान भाई कि मैं अभी यहाँ पर से जा रहा हूँ सिलचर, जो कि आसाम में है, सिलचर से फिर मिजोरम जाऊंगा क्योंकि बीच में कोई स्टॉप नहीं है। जो आज की राइड होने वाली है वो होने वाली है 275 किलोमीटर की, तो बहुत ही ह्यूज राइड है भाई, लंबी राइड है काफी, तो गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो कॉन्स्टेंटली इसमें चलेंगे तो भाई लगभग मान के चलो 7-8 घंटे राइड करके पहुंच ही जाएंगे। तो देखते हैं, अगर बीच में नहीं पहुंच पाए तो हाफ लॉन्ग तक भी पहुंचे अगर तो हाफ लॉन्ग में रुक जाएंगे, बाकी कल सिलचर या कल डायरेक्ट मिजोरम पहुंच जाएंगे। तो अभी भाई राइड कंटिन्यू करता हूँ, अभी खाना वाना भी नहीं खाया है, खाना वाना भी खाना है फिर निकलना है यहाँ पर से। तो हमारा गोप्रो वगैरह भी चार्ज हो चुका है भाई, ये देख रहे हो आप, कई लोग पूछते हैं कि ये चीज़ क्या है, तो ये सेफ्टी के लिए पहन रखा है मैंने भाई, आप सबको पता ही होगा क्योंकि ऐसा होता है ना भाई, अगर बाहर हमारे हल्का भी चोट लग जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गाइस अभी निकलते हैं, धूप अगर आप देख सकते हो, आर्मी वगैरह भी यहाँ पे खड़ी रहती है काफ़ी सारी, अभी दिखाऊंगा आपको नागालैंड की फोर्स। तो अभी निकलते हैं भाई। तो हमारी गाड़ी भाई पहली गाड़ी है उधम सिंह नगर की जो नागालैंड में आई हुई है। तो भाई आपका भाई पहला बंदा है जिसने उधम सिंह नगर UK 06 से अपनी गाड़ी नागालैंड तक पहुंचाई है भाई, दीमापुर तक। तो भाई अगर आप उदयपुर से देख रहे हो, उधम सिंह नगर से देख रहे हो, तो फटाफट से लाइक जरूर कर देना और थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करना भाई। तो बाय बाय नागालैंड, हमारा नागालैंड में आज आखिरी दिन, और अब हम जा रहे हैं मुझे ना एक फोटो क्लिक करनी है। तो गाइज अभी मैं खड़ा हूँ नागालैंड के बॉर्डर पे, तो कल रात आपको दिखा नहीं पाया था क्योंकि अंधेरा काफी ज्यादा हो गया था। तो ये कुछ बॉर्डर है इसका, तो इसके उधर नागालैंड है और इस बॉर्डर के इधर को जो है मैं असम में खड़ा हूँ, और उस बॉर्डर के उधर को नागालैंड आ जाता है। तो भाई कल रात मैं नागालैंड में ही था दीमापुर के अंदर, और काफ़ी रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था तो दिखा नहीं पाया आप लोगों को। तो यहाँ पर से मैं जा रहा हूँ भाई अभी सिलचर, और दोबारा से नागालैंड आएंगे भाई जब कोहिमा जाना होगा अपन लोगों को। और अभी फिलहाल क्या है भाई, दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ राइड, अभी 275 किलोमीटर जाना है जिसमें से मैं अभी लगभग 12-13 किलोमीटर आया हूँ। तो भाई करते हैं अभी इस राइड को कम्प्लीट। तो गाइज अभी मैं निकल रहा हूँ नागालैंड से बाहर की तरफ, जबकि मैं नागालैंड का बॉर्डर क्रॉस कर चुका हूँ, और अभी भाई असम में हूँ मैं अभी इस वक्त। तो अभी मैं जा रहा हूँ सिलचर की तरफ, हाफ लॉन्ग होता हुआ सिलचर जाऊँगा क्योंकि मुझे कल पहुँचना है मिज़ोरम। तो भाई आज मिज़ोरम पहुँच नहीं पाएंगे क्योंकि अगर बड़ी गाड़ी होती तो मैं आज ही मिज़ोरम पहुँच जाता, बट ये गाड़ी क्या है 200 cc है, तो उसको 200-300 किलोमीटर से ऊपर नहीं चला सकते ऐसे मौसम में। अगर ठंड होती तो बात थी यार, क्योंकि 1 घंटे का ब्रेक देने के बाद ना गाड़ी पूरी रिचार्ज हो जाती है भाई, बिल्कुल ठंडी हो जाती है, बट क्या है मौसम वैसे ही बहुत गर्म है। हालांकि इसमें रेडिएटर है जो कि कल ऑन भी हो गया था भाई, तो मेरे को भाई थोड़ा डर लगता है इस बार इस चीज़ को लेके कि ऐसे जंगल में अगर इस गाड़ी में दिक्कत आई तो फिर मैं क्या करूँगा। हालांकि ये प्रॉब्लम होती नहीं है कभी क्योंकि मैं ब्रेक दे देता हूँ बीच बीच में गाड़ी को, मगर फिर भी भाई रिस्क क्यों लेना। तो अभी क्या है रास्ता कुछ इसी तरीके से रहने वाला है भाई। इस रोड पे कल रात को हाथी भी आ गए थे, आपको बता दूं, मेरा उस टाइम गोप्रो बंद था, तो इस रोड पे हाथी और शेर का आने का बिल्कुल नॉर्मल है, समझ रहे हो। तो इसीलिए थोड़ा सा नाइट राइड तो भाई अवॉइड ही करना है इस रोड पे। तो आपके भाई ने कल रात को अपनी जैकेट धो दी थी भाई, क्योंकि जैकेट बुन गई थी भूत, मतलब जैकेट में इतनी धूल हो गई थी जिसका कोई जवाब नहीं है।
जब मैंने भाई इसको बाल्टी में भिगोया ना पानी के अंदर, तो भाई इसके अंदर से आप मानोगे नहीं, पूरा बाल्टी में भाई इतनी मोटी लेयर मिट्टी की, सोचो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी यार। इस रोड में बहुत धूल है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रोड पूरी बन रही है अभी। यार लग रही है मुझे भूख, मैं कुछ खा लूँ क्या ये ढाबे पे रुक के? देखें तो कुछ मिलता है यहाँ पे कि नहीं, फिश वगैरह दिख रही है यहाँ तो। मणिपुरी ढाबा, लेट्स सी कि यहाँ पे क्या है खाने के लिए। ये यहाँ तो कोई है ही नहीं, कोई नहीं वहाँ पे। तो अभी क्या है भाई, लगभग 80-90 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है रास्ते पे। ना पेट्रोल पंप है, ना होटल है, ना ढाबा है, ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, ना घर है, ना कॉलेज है, ओनली जंगल है और का पहाड़ काट के रास्ते बना रखे हैं इस तरीके से। देखो भाई ऑर्डर का तूफान, इस इंतज़ार में मत रहो कि ये धूल कम होगी, ये धूल कभी कम नहीं होगी। एक तो मिट्टी बहुत अजीब है यार यहाँ की, देखो लाल लाल ऑरेंज ऑरेंज मिट्टी है यहाँ की, देखो कैसे जा रहा उड़ाता हुआ भाई साहब। तो भाई हमारे परसों वाले व्लॉग पे, जहाँ पे मैं भाई वेस्ट बंगाल में था, उस वाले व्लॉग को आपने बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच। तो भाई नज़ारे देखो, हैं ऐसे नज़ारे, कहीं हैं ऐसे नज़ारे, ले लोगे ऐसे नज़ारों के मजे? पहले इस सुअर से आगे निकलूँगा मैं। गाइज इस रोड पे ना कोशिश करना कि किसी के साथ ही आओ, मेरी तरह अकेले घूमने की अगर खुजली है थोड़ी सी तो दिन दिन में ट्रैवल करना, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाओगे भाई। जब ये रोड पूरी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी ना, पूरी बन जाएगी, तो इस रोड पे और मज़ा आएगा भाई, क्योंकि ना कहीं रोकना पड़ेगा, ना कहीं धीरे करना पड़ेगा, एक ही स्पीड पर चलेगी पूरी रोड में गाड़ी। तो मैं तो भाई इसी स्पीड पर रख रहा हूँ, अभी माइलेज नहीं चाहिए अभी मुझे, इस ये वाले जो 80 किलोमीटर है मुझे इससे बाहर निकलना है बस, अभी मुझे गाड़ी से माइलेज नहीं चाहिए। देखो 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 पाउडर की रेल बना दी भाई, भागो, लिखा है 40 रुपये चला रहा है इस रोड पे, सब साले 100-120 चला रहे हैं सब। वो तो शुक्र मनाओ जगह जगह डाइवर्जन है और जगह जगह टूट फूट है। तो ब्रिज चेक करो भाई, ये भी बन रहा है अभी ये ब्रिज भाई, ये थार वाला 5 मिनट पहले निकला था और अब पहुँच रहा है यहाँ। हगने में उतने रुका था क्या? तो जैकेट अभी नई नई लग रही है थोड़ी सी राइडिंग वाली, क्योंकि हमने कल धोया था, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी यार। और ऐसे ही मैं चला गया खाना खाने, और जब मैं वहाँ खाना खाने गया तो भाई सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं मैं कहाँ से आ रहा हूँ भाई, धान वान लगा के। भाई कर्व चेक करो, कर्व क्या कर्व है ना, ओए होए, क्या बात है। अरे अरे खराब रास्ता आ जाता ना भाई तो सारा क्या बात है, क्या है यार ये क्या बात है, ऐसा हो जाता है। कि रोड बन रही है ये तो, अभी तो ये तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, इधर खुदी पड़ी है, इधर भी खुदी पड़ी है, जहाँ नहीं खुदी है वहाँ भी खुदेगी। तो गाइज ये नज़ारा चेक करो, पूरा चारों तरफ पहाड़ और बीच में से वैली में से रास्ता, आय हाय हाय है ना, है नज़ारा भाई ज़बरदस्त। तो कल रात में मैं आने वाला था इस रास्ते में वापस, बट मैंने अवॉइड किया क्योंकि हाथी वाती रहते रात में ना, तो वापसी मैंने अवॉइड करी और मैं दीमापुर में रुका था कल रात। तो देखो क्या नज़ारा है भाई, पैसे वसूल हो जाते हैं यार यहाँ आने के बाद, मलाल नहीं हो रहा अब। कल का दिन इतना अच्छा नहीं था मेरे लिए, क्योंकि बहुत गांव-वांव में चला गया था, काफ़ी रिस्क हो गया था कल, बट यार नज़ारे देखोगे ना, ये नज़ारे ये वाले तो ज़बरदस्त नज़ारे हैं भाई। ले जैसी तारीफ कर दो थोड़ी सी, साला रास्ता ख़राब हो जाता है उतनी देर में, तारीफ नहीं करनी है, भाग साला, पाउडर ही पाउडर। एक तो पेट में कुछ है नहीं, ऊपर से रास्ता इससे ऐसे 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 हो रहा है, इन सारे ट्रक में रेता भरा हुआ है, जिनमें से अभी आप पानी गिरता हुआ देख रहे हो ना, सब में रेता है, जो रेता आगे रास्ते के लिए जा रहा है, समझ रहे हो? तो
भाई जब ये रोड बन जाएगी उस टाइम पे अगर आप आओगे तो फिर आपको इतना मज़ा आने वाला है इस रास्ते पे, फिर नज़ारे ही नज़ारे हैं, फिर परेशानी कुछ नहीं है। तो गाइस ये वाला पुल चेक करो, पतलू सा पुल है, पतलू सा, इतना पतला। और उधर मछली पकड़ने का जुगाड़ है, छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं उससे, लोग पकड़ भी रहे हैं उधर को। लंका की तरफ जाना भैया, लंका 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 पे ना मैं बुका लंका ए तो ए तो सब गए लंका को राजा मतलब पापो आको हुदी हुदी जाबो सा हमने लेफ्ट सब तो हम वहां खास सब एक दिन का जाने है एक दिन एक नहीं राइट साइड ओके इसी रोड पे ना थैंक्स। भाई हाँ हाँ तो कर दिया, समझ में कद्दू कुछ नहीं आया। बुंगा बुंगा क्यों ऐसा बोला उसने कुछ, मतलब लेफ्ट साइड समझ में आया, बाकी मुँह कुछ समझ में नहीं। ज़रा एक बार रास्ता चेक करो भाई, ऐसे रास्ते पे जा रही है एम्बुलेंस, ठीक है, ये सामने बंदा तो साला इस रोड पे ही मर जाएगा झटके खा खा के। आ गया हूँ NH पर, कब से मिस कर रहा था इस रास्ते को यार। तो गाइज मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से लमडिंग की तरफ, और लमडिंग की दूरी यहाँ पर से रह गई है 132 किलोमीटर, जिसको अप्रॉक्स पार करने में लग जाएंगे भाई एक घंटे के समथिंग। तो एक घंटा इसको पार करने में लग जाएगा अभी। सो गाइज मैंने हाईवे वो वाला हटा के ये वाला पकड़ा है मैंने, फॉरेस्ट के अंदर वाला रास्ता, इससे मैं सीधा पहुँचूँगा हाफ लॉन्ग। तो जा रहे हैं फिर से एक पिद्दू से पुल के ऊपर आ गए हम लोग, तो नहा रहे हैं लोग। वेलकम टू दीमा हसोआ, ये कौन सी जगह है। तो गाइस रोड चेक करो कितना ज़्यादा डाउन है भाई, पूरा रास्ता भाई ऐसे रहने वाला है, ये कितना बढ़िया लग रहा है ये। अभी तो मज़ा आ रहा था साला, इसमें ब्रेकर डाल दिया इन लोगों ने, ये स्कूल है कोई यहाँ का। अरे यार ब्रेकर फिर आ गया, और इस ब्रेकर पे मैं पूरा उड़ गया था। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ हाफ लॉन्ग तीनी आली में, और हाफ लॉन्ग के लिए लेफ्ट में जा रहा है नेशनल हाईवे 16। ऐसे रास्तों में ना गाड़ी की जान निकल जाती है यार। भाई देख रहे हो इस रोड पे एडवेंचर वाली भी जो आएगी ना गाड़ी, उसकी भी ऐसी तैसी हो जाएगी भाई। हमारी तो फिर भी हम नेकेड स्पोर्ट्स चला रहे हैं, सोचो सुपर बाइक वालों का क्या हाल होगा। ये रोड बन रही है सारी के सारी यार, मेरे टाइम पे पता नहीं क्यों बनाने का याद आया इन लोगों को, इन्हें शायद पता चल गया कि मैं ट्रैवल करने वाला हूँ तो इसको परेशान करो। ये कौन है भाई, बंदर का चाचा ऊपर चढ़ा हुआ है। हाँ फाइनली भाई ये स्टेट हाईवे है, ठीक है कोई भी भूलना मत, ऐसा स्टेट हाईवे साला ना कभी देखा होगा ना कभी देखोगे ज़िंदगी में, इतना तगड़ा स्टेट हाईवे। हटा ले साइड में भाई इसको, बच्चा चला रहा है यार उसको। अरे बहन के भाइयों, ओ भाई स्पीड ज़्यादा हो गई मेरी, कम करो माय गॉड। अरे अरे जरा चेक करो गाइस, भाई ये बिल्कुल ट्राइबल एरिया है, एकदम देहाती गांव बिल्कुल, और ये रोड ना भी जस्ट पास हुई है और ये दिखा रही है गूगल मैप्स पे, सोचो। और ये रोड है ये नेशनल हाईवे 16, देख रहे हो नेशनल हाईवे 16 की शक्ल, ये है 16 साला, ये गन्ने के खेत के बीच में जा रही है, एक आदमी नहीं यहाँ पर। इस रोड में या तो गाड़ी खराब हुई तो मैं गया, या कोई आ गया भाई उल्टा सीधा हो गया तो बस फिर तो मैं गया। बस रास्ता यार ठीक हो, ये उबड़ खाबड़ ना हो भयंकर, फिर तो मैं भगा ही लूंगा गाड़ी। बस उबड़ खाबड़ ना हो फिर तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोक सकता साला, मैं अपनी स्पीड 50 पे मेंटेन कर लूंगा।
मगर इस तरीके के गड्ढे होंगे तो फिर क्या ही करूँगा भाई। भयंकर मुझे लगा सांप पड़ा हुआ है। तो भाई गूगल मैप्स पे रोड बन चुकी है, ठीक है ध्यान रहे, मगर अब फिजिकली आके देखोगे तो ये रोड अभी इन प्रोग्रेस है। उसमें ऐसा भी नहीं दिखा रहा है कि मैन एट वर्क या फिर ऐसा कुछ, कुछ नहीं, कंप्लीट दिखा रहा है। मोड़ के जस्ट बाद ना गड्ढे हैं भाई, ये पता नहीं क्यों। ओ भाई अब चेक करो जरा, घना अंधेरा, जंगल, और जंगल में तुम्हारा भाई अकेला। अगर गाड़ी खराब हुई या कुछ और हुआ, मैं तो गया भाई, 102 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है, ना एक बंदा, ना एक घर, ना कुछ और। मैं तो रुकने वाला हूँ नहीं इस रास्ते पे भाई, मैं भगाने वाला हूँ गाड़ियाँ से। दिन रहते रहते इस रोड को पार करना है मेरे को यार 100 किलोमीटर, वो भी इतनी आड़ी बेड़ी रोड, सीधी रोड तो होती नहीं साला, आड़ी टेढ़ी कहाँ से होगी। मेरे कान बंद हो रहे, मतलब हम बहुत हाइट पे जा रहे हैं भाई। रात में इस रोड में अगर कोई आ गया ना, उसकी फटके हाथ में आ जाएगी भाई, वो भी ये वाले हाथ में। तो भाई अभी मैं हूँ हाफ लॉन से लगभग 50 किलोमीटर पीछे, और ये पहाड़ी में है भाई, एकदम टॉप पे कुछ बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है जगह भाई, सब छोटा छोटा दिखता है। और ये भाई कुछ देर बाद पहला पेट्रोल पम्प मिला मेरे को, मैं तो डर रहा था क्योंकि मेरी गाड़ी में रेंज देखो भाई, 50 किलोमीटर की रेंज रह गई है, वो भी लोकल रोड पे। अब पता नहीं यहाँ पे क्या हाल है, मेरी भाई लिटरली फटी हुई है, लेकिन मेरा गोप्रो भी डेड हो गया। रास्ता इतना सुनसान है भाई, इतना खतरनाक रास्ता है, पहली बार आ रहा हूँ भाई यहाँ से रास्ते पर। अभी यहाँ से हाथ लॉन्ग चला जाऊँ भाई, मेरे को जान में आ जाएगी। अब इतने सारे लोग देख के भाई थोड़ी हिम्मत आई है मेरे को, अभी तक भयंकर की एक बंदा नहीं दिखा मेरे को वहाँ पे यार, एक सिंगल बंदा मिला लो। अब यहाँ से तेल डलाते हैं भाई, तेल यहाँ पर दिख रहा है 83.76, तो भाई डला के फटाफट निकलते हैं यहाँ से। एकदम टॉप पे आ गया हूँ मैं भाई हाफ लॉन्ग के, माय गॉड। जंगल का रास्ता तो है भाई थोड़ा डरावना और थोड़ा खौफनाक, मगर भाई इसके बाद जो नज़ारा आएगा ना वो भाई नेक्स्ट लेवल होगा। मेरी गाड़ी बहुत गर्म हो चुकी है, पर फिर भी मैं इसको खड़ी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इसको मैंने खड़ा करा तो भाई दिक्कत हो जाएगी मेरे को, मैं जंगल में रुकना नहीं चाहता यार। अरे भयंकर तो और जंगल है भाई, सुनसान रास्ता, और मैं इस रास्ते में इतना अंदर आ गया हूँ ना कि मेरी भाई अब वापस जाने की बस की बात नहीं है, आगे जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है अपने पास। हाइट देखो, हाइट काफ़ी हाइट पे है, मुझे और जल्दी आना चाहिए था इस रोड पे यार, 12-1 बजे के आसपास, थोड़ी और देर, एक डेढ़ घंटे में पूरा अंधेरा हो जाएगा। एक घंटा अगर मैं 50 की स्पीड में चलाता हूँ तो एक घंटे में 50 किलोमीटर, ठीक है, एक घंटे में 50 किलोमीटर अगर चलाता हूँ तो डेढ़ घंटे के समथिंग मैं पहुँच जाऊँगा। अभी हो रहा है 4:30 तक पहुँचूँगा, इतनी स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी भाई साहब। रास्ता ख़राब ना होना तो फिर तो मैं मेंटेन रख लूँ यार, रास्ता इतना ख़राब है साला। 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से एक घंटे 50 किलोमीटर निपट जाएगा, ठीक है, और अगले आधे घंटे में 25 किलोमीटर। नज़ारे तो बहुत अच्छे हैं, मगर डर का माहौल ऐसा बना हुआ है कि हिम्मत नहीं हो रही नज़ारे का मज़ा लेने का। बहुत हाइट पर आ गया हूँ भाई मैं, और गाड़ी भाई पूरी स्कीड हो रही है,
स्कूटी गाड़ी स्कीड हो रही है 80 पे, अगर मैं 50 पे भी नहीं रख सकता ना स्पीड को कांस्टेंट, गाड़ी इतनी स्पीड हो रही है कि भाई सीधे मैं पहुंचूंगा नीचे, और यहाँ तो बचाने वाला भी कोई नहीं है, चार दिन ही पड़ा रहूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है। आराम से चल रहे हैं, रिलैक्स भाई। आई डोंट नो गोप्रो में कितनी बैटरी बची है, बट मैं गाड़ी अंधाधुंध भगा रहा हूँ भाई 80 किलोमीटर से। इसको कवर करने के लिए अब गाड़ी जितनी भगा सकता हूँ भगाऊंगा, क्योंकि आधा घंटा और रहेगा सूरज, उसके बाद सूरज हो जाएगा पूरा डाउन। आप देखो अभी अंधेरा हो गया, मैं नज़ारा इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, आप लगा लो मेरी इतना डर के मारे हालत ख़राब है भाई। बस मैं भगा रहा हूँ, मैं बस स्पीड देख रहा हूँ कि मैं 50 पे मेंटेन रखूँ बस, क्योंकि 50 पे रहेगी तो ही मैं 1.5 घंटे में बाहर निकल पाऊँगा जंगल से। तो गाइस इसका नाम पढ़ लो, जुगनू व्यू पॉइंट। और भाई आपको अगर मैं दिखाऊं कि इसके अंदर है क्या, ऐसा व्यू आपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। अब आप देखो, पता नहीं इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है, भाई पहाड़ी पहाड़। और आपका भाई अकेला है यहाँ पे भाई इस रास्ते पे, डर लग रहा है क्योंकि रोड बहुत ख़राब थी, मैं कैसे कैसे यहाँ तक आया हूँ भाई। और मेरे ख्याल से मैं मिज़ोरम में एंट्री कर चुका हूँ, देखते हैं दीव टूरिज्म। भाई इसका एल्टीट्यूड है 705 मीटर MSL से, ठीक है, बहुत ख़तरनाक जगह है भाई साहब। देखो पहाड़ी पहाड़ है वो जो लेयर दिख रही है आपको। तो कैसे मैं फटाफट निकलता हूँ, मुझे पहुँचना है अभी, फटाफट हाफ लॉन्ग। भाई मेरी GoPro की बैटरी ना डेड हो गई और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और काफ़ी देर से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा पीछा कोई कर रहा है भाई। और मैं अभी पूरे घने जंगल के अंदर हूँ और इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया है, काफ़ी देर से मेरा कोई पीछा कर रहा है, मैं क्या करूँ भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा।